जितने मेरे करीबी फ्रेंड है और मेरे गांव वाले, मेरे घर वाले, मेरे परिवार, मतलब जितने भी मेरे करीबी फ्रेंड है, मुझे चाहने वाले जितने भी हैं, सभी को मैं पहले बोल देता हूँ, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, जिंदगी में पहला बार चश्मे पहन करके मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, और मुझे गर्व और दर्द भी हो रहा है और शर्म भी आ रहा है। खैर, जिंदगी अब जो है, जमाने में भी डर लगे तब मर्द नहीं, तो इसलिए करके मैं अब खुलेआम कहना चाहता हूँ सबको कि अगर सैंपल जिंदगी गुजारना है तो दूध पानी से धुए हुए ऐसे बन करके चलो, सैंपल जिंदगी गुजारना है। अगर जिंदगी में कुछ उखाड़ करके जाना है, नाम छोड़ करके जाना है, कुछ इतिहास रच के जाना है, तो रंगदारी में जीना पड़ेगा। मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये कोई इतिहास गूगल बोले चाहे ना बोले, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। मनी महाराज भले ही वो गाली देता था, अभी 60 लाख 70 लाख रुपया महीना कमा रहा है। पवन सिंह पहले रोड पर पे जा करके मतलब भीख मांगता था, 1 रुपया 2 रुपया करके, खेसारी लाल भैंस चराता था, अभी वो करोड़ों रुपया महीना कमा रहा है। कुछ करने के लिए कुछ उखाड़ना पड़ता है। तो आप सब जो बोल रहे हैं, जो मतलब गलत सलत कमेंट और गलत उलत गाना डाल रहे हैं, भले मैं एक टीचर हूँ, लेकिन टीचर होते हुए भी मैं अपने एरिया में देख लीजिए, झलारी पंचायत में, आनंदपुरा पंचायत में, मतलब कोई खोक्सी, मतलब जो भी है अगल बगल के पंचायत में देख लीजिए, जितने भी टीचर हैं सैंपल जिंदगी गुजार रहा है, कुछ नहीं उखाड़ पाया है, कुछ नहीं। अभी वैसे घूम रहा है जैसे कि एक खेत में और एक गन्ना छिलने वाले मजदूर काम करते हैं, उसी तरह कुछ नहीं उखाड़ पाया है। अगर वही टीचर अपने रंगदारी में जिए और कुछ अलग करने का ठान ले, तो फिर जो चाहे वो पूरा हो सकता है। तो नौकरी जो है, नौकरी एक सैंपल है जिंदगी गुजारने का तरीका। अगर शौक पूरा करना चाहते हो तो नौकरी के भरोसे नहीं, नौकरी देने योग्य बनो। इस लेकर के वायरल होने के लिए, सोशल मीडिया से जुड़े रहने के लिए जिंदगी में वो चीज़ करना पड़ता है जो सोचा भी नहीं होगा। इस लेकर के मैं वायरल होने के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ। खान सर को ले लीजिए, खान सर कितना पूरे दुनिया में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन वो भी अगर आज, अगर वो भी आज भार बोल देता है, ससुरा ससुरी बोल देता है, सबको मजा आता है सुनने में। हम अपने घर में चाहे विद्यार्थी के किसी के पास बोल देते हैं, अरे ससुरा, अरे, मतलब कुछ भी होता है, मतलब गलत भाड़ में जाए दुनियादारी, ये बोलते हैं, मतलब भाड़ में जाए दुनियादारी। जो विरोध कर रहा है करने दो, मुकेश का, मुकेश अपने तरीका से जिएगा। तो ये विद्यार्थी सबको गजब लगता है, सर जी भाड़ बोल दिया, भाड़ मतलब सब मुंह बांध लेता है सर, मतलब हमको गलत बोले लगता है। वही खान सर भाड़ बोलता है, विपिन सर भाड़ बोलता है, नीतीश कुमार, मतलब जितने बड़े बड़े सभी आदमी बोलते हैं, वहाँ सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वो फेमस और वायरल और सबके दिल में जगह बना लिया है। इसलिए करके शुरू शुरू में सब बेइज्जती करता है, विरोध करता है, वही फेमस होने के बाद सभी सलामी ठोकता है, ठीक है। तो शुरू शुरू में कुछ करना पड़ेगा। अगर मेरा बात आप सबको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, अच्छा लगे हो तो उसके लिए भी थैंक यू। तो जो जहाँ हो, शुरू शुरू में अगर आपका विरोध हो रहा है, समझिएगा आप अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे रास्ते पे चल दिए हैं। अगर आप मतलब सही तरीका से नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल मतलब एकदम एकदम अच्छा घर जगह जमीन हो गया, टका पैसा गाड़ी घोड़ा हो गया, बस उसमें अगर आपको कुछ बड़े नेता जैसा इतिहास रचना पड़ेगा, तो आपको पहले गाली गलौज विरोध बेइज्जती दुश्मन दोस्त सब बनेगा। उसके बाद जब आपका इतिहास, आपका दिन आएगा, तो कुछ ऐसा होगा कि जो आप सोचे नहीं होंगे। इसलिए करके मेरे गाने, मेरे स्टोरी, मेरे वीडियो, मेरे प्राइवेट, मेरे पब्लिक, मतलब फ्रेंड जो भी है, सभी को जो अगर मैं अच्छा लगता हो तो अच्छे कीजिए, अगर बुरा लगता हो तो अनफ्रेंड कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, और मैं वो बंदा हूँ एक दिन इतिहास रचूंगा। अगर आप सबको लगता है कि मुकेश अच्छा बंदा है तो अच्छा हूँ, अगर लगता है आपको खराब है तो खराब 100% हूँ, मैं ये खुद बोल रहा हूँ। तो बाकी बात 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो होने वाला है, वीडियो आते रहेगा, ठीक है। कहा कि अब मुझे कुछ करना है, अरे भाई केमिस्ट्री का टीचर है, भोजपुरी में गाना गाता है और पढ़ाता है, सबको मजा आता है, और आज हम बेदर्दी गाना डाल दिए तो बोल रहा है कि जो मतलब आपको काम नहीं मिलता है, काम मिलता है जाकर के बाजार में वीडियो बना, गजब सोच है, लेकिन ठीक है, जो अच्छा लगे वो करो, बाय।